हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। रतन टाटा सर की वो सीख बता रहे थे और आज सुबह भी चर्चा हो रही थी, मिस कर गया था वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज अपन ने, आपने जब भी बात करी कि मोटा मुनाफा हुआ है तो एक पार्ट फिलैंथ्रोपी को जरूर डेडिकेट करें, चैरिटी को डेडिकेट करें। हमने हमेशा जब भी आपकी गाड़ी हमेशा हुई होगी, आई एम श्योर, अगर आपने हमारे साथ ब्यूटीफुल ट्रेंड्स को राइड करा है, लेकिन हर बात ही हुआ था कि एटलीस्ट 10% तो चैरिटी को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक काम करूं, पैनल रेडी है, पैनल से एक मैं बातचीत कर लेता हूं, फिर रतन टाटा सर के साथ से हमने आज सुबह से बहुत इंटरेस्टिंग चर्चाएं कर रखी हैं। आवाज 6 बजे से कवरेज शुरू कर चुका था आज सुबह, अगर आप लोगों ने मिस करा हो तो। और 6:30 बजे से तो हमारा पूरा का पूरा सुबह का पैनल रेडी था, हम लोग इन हाउस पैनल रेडी था, आपके साथ रूबरू थे। खैर उस पर आगे आता हूँ, लेकिन पहले पैनल के साथ साथ टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करी। हमने बिग स्टॉक्स पे चर्चा करी कि आज की थीम जो इमर्ज हो रही है वो आईटी है, तो शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए ग्लोबल समीकरण को देखते हुए भी, और आईटी रडार पे इसलिए भी है क्योंकि आज वैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। टाटा एलेक्सी का है, टीसीएस के नंबर्स हैं, तो दो आईटी नंबर्स तो आज ही आने हैं। खैर गाबा सर गुड मॉर्निंग, गाबा सर भी वैसे आज सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू उसके लिए गाबा सर। गाबा सर आज का सबसे प्रिफर्ड आइडिया कौन सा चुना आपने? बिल्कुल गुड मॉर्निंग और सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी दिक्कत थी टॉक कॉल निकालने में, क्योंकि जो निकाले थे उसमें दो तो बैन में चले गए और एक का 2 बजे दे चुका था, तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस है दो, तो आज मैं चुना हूं स्टॉक जो है वीकनेस। वीकनेस में बाउंस, स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का चार्ट देखें तो 265 के आसपास एक हाई देखा था, उससे लगातार गिरावट निकली। कल का जो लो था 215 का था और वो था 200 डे मूविंग एवरेज, वहीं से एक सपोर्ट दिया जो बार बना है, एक क्लासिकल रिवर्सल बार है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है अशोक लेलैंड को तो मेरे ख्याल से डिप्स मिले तो लेना चाहिए या यहीं पर मिले तो लेना चाहिए। स्टॉप होगा 215 का, डीप है, फर्स्ट टाइम जो टारगेट होगा 235 का होगा मेरे ख्याल से, 230 आई थिंक इज रीजनेबल, तो 1:1 बन जाता है, स्लाइटली मोर देन 1:1। अशोक लेलैंड पर ध्यान देना चाहिए, बाउंस। अशोक लेलैंड बाय है, 215 का स्टॉप बोला आपने गाबा सर? या बाय ऑन डिप्स। ओके, और टारगेट 230 के टारगेट अशोक लेलैंड में। कल अशोक लेलैंड घुमा था एक्चुअली, कल सुबह सुबह टॉप लूजर था एफिंडो का, वहां से शानदार घुमा ये स्टॉक और डे हाई पर बंद हुआ। तो ये हो गई गाबा सर की पिक। मानस गुड मॉर्निंग, मानस आपकी पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए जो पिक है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज है, एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर हम अब देखें तो कैंडलिस्टिक चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है, तो एक्साइड में खरीदारी की जा सकती है। 509 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, 540 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और या तो 520 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 16-17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 520 के कॉल ऑप्शन में, और 28 रुपए के टारगेट से करिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यह है मानस का प्रिफर्ड आइडिया। रचना जी अच्छा दिखाइए, पूरे फेस्टिव गियर में है, आज सुबह से चर्चा नहीं हुई, वैसे आज का कलर बाय द वे पिंक था। एक चीज मैं बोलना भूल गया था, रचना जी गुड मॉर्निंग, और रचना जी ने रिमाइंड कराया, हम जो रतन टाटा जी की इतनी सारी इमेजेस देख रहे हैं उसमें एक इमेज की जो हमने चर्चा नहीं की और जो करनी चाहिए थी वैसे, उनका लव फॉर एनिमल्स। और देखिए एक, 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 एक कहा जाता है कि अगर कोई एनिमल आपसे प्यार करता है तो उसका मतलब आप अच्छे इंसान हैं, सिंपल। अगर कोई मतलब पेट डॉग या कोई इवन कम्युनिटी डॉग अगर आपको मतलब आपके पास आता है और आपको रिस्पेक्ट करता है तो वो मतलब आपके लिए एक पॉजिटिव होता है। आई थिंक एक पिक्चर थी हमारे पास वो जितना पूरा मोन्टाज चल रहा था सर, और कुछ स्ट्रे डॉग्स के साथ बैठे हुए हैं, वो दिखाई लूप में शायद होगी तो दिख जाएगी आपको। देखिए क्या होता है ना आशीष, सबकी अपनी अपनी वो प्रेफरेंस होती है, मतलब हम रतन टाटा को किस तरीके से जाना चाहेंगे। अब रचना जी को शायद वो वाली जो उनकी पर्सनालिटी थी वो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो रचना जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल मैं आपका मैसेज एकदम सही बोला आपने, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इट इन, चार लोगों के भी दिल को छुए तो बहुत बड़ी हेल्प होगी एनिमल्स को। एंड यस आशीष जी, ब्लैक एंड व्हाइट वाले दिन गलती हुई थी, ध्यान नहीं था कलर में, जाना पहचाना रिबेल नहीं था, तो आज कलर ध्यान में था तो आई शुड कंपेंसेट, तो इसलिए। एंड जहां तक आज के कॉल की बात है तो मेरी तरफ से जो कॉल रहेगा दैट विल बी एचसीएल टेक,
एंड एचसीएल टेक में हम लॉन्ग जाएंगे और यहाँ पे 1805 पे फ्यूचर्स बैठे हुए हैं, हम एसएल लगाएंगे 1790 पे और इसको लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को विद द टारगेट ऑफ 1845 एंड 1860। HCL Tech खरीदारी करने का मन रचना जी का, अभी बात ही हो रही थी कि IT आज का प्रिफर्ड प्ले हो सकता है और ये लीजिए आगे एक बढ़िया से स्टॉक पिक। हम लोग रचना जी वैसे सुबह एक चर्चा कर रहे थे, वो बॉम्बे हाउस जो TCS टाटा सन्स का हेडक्वार्टर्स है उसके बाहर वो स्ट्रेज अलाउड है, हर्षदा बता रही थी जब गई थी लास्ट टाइम तो वहां पे एक जगह है जहां पे शुआ भी नहीं करा जाता स्ट्रेस को, बल्कि खाना पीना मुहैया कराया जाता है, वो दिन भर वहाँ पे लेज अराउंड करते रहते हैं, कोई नहीं भगाता उनको वहाँ से, ये उनका उस तरह का प्यार था स्ट्रेस के साथ। खैर और हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मुंबई में एक वेटनरी हॉस्पिटल भी टाटा सन्स ने इसीलिए खोला भी था। अच्छा पहले पिक्स HCL Tech के बाद सतपुते साहब के पास चला जाए, सतपुते साहब आपके रडार पे आज कौन सा प्रिफर्ड आइडिया? मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिये मेरी नजर है अडानी एंटरप्राइजेस पे, अगर आप इसका चार्ट देखें तो परसों के दिन एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ है, ये अपने क्लस्टर के ऊपर खड़ा है और सबसे बड़ी बात है कल एक पॉज मिला है और ये पॉज मुझे लगता है कि एंट्री अपॉर्चुनिटी देता है अडानी एंटरप्राइजेस में। सो स्टॉप लॉस रखे 3120 का, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा आज के लिए 3240 से लेकर 3260। तो दिस इज अ बाय कॉल इन अडानी एंटरप्राइजेस। ये अडानी एंटरप्राइजेस में न्यूज़ भी है, QIP लॉन्च हुआ है जो एक्सपेक्ट हो रहा था, कल हम बात कर रहे थे इसके वैसे कि शायद लॉन्च हो जाएगा, वो हो गया लॉन्च डे एंड तक। अमित सेठ के पास चलते हैं, अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी पहले आपने दो तीन दिन पहले मेरे से पूछा था कि कलकत्ता में हॉलीडेज कब होंगी दुर्गा पूजा की, तो वो आज से स्टार्ट हुई है एंड इट्स अ 4-day स्टेट हॉलीडे संडे तक। वैसे तो फेस्टिविटीज दो तीन दिन से स्टार्ट हो चुकी है बट ऑफिशियली आज से कलकत्ता इज क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 4 days। एंड अनुजी आज की मेरी टॉप कॉल रहेगी लुपिन। लुपिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लुपिन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा था पिछले 9-10 दिनों में, अपने 10 और 20 डेमा पे एक टाइट रेंज का कंसोलिडेशन था जिसका कल हमने एक अपमूव देखा विद गुड डिसेंट वॉल्यूम्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी अच्छी है। तो लुपिन बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 2250 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 2325 एंड 2350 के। ल्यूपिन खरीदारी करने का मन सेठ साहब का, चार दिन की स्टेट हॉलिडे, तो बच्चे तो घर पे होंगे मतलब सेठ साहब? जी आशीष जी यहाँ स्कूल हॉलीडेज पूजास में 11-12 डेज की पहले ही हो जाती है तो आई थिंक 10 डेज की यहाँ पे हॉलीडे है, मैंने एवरी ईयर मैंने मेरे टाइम से जब मैं स्कूल में था तब भी तो पूजास में कलकत्ता में हॉलीडे हो जाती है स्कूल से। हाँ नहीं हमारे महाराष्ट्र में से बीच में गड़बड़ हो गया था लेकिन गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के बीच में दे देते हैं अब छुट्टी तो बच्चों मतलब स्कूल हॉलीडे वो यहाँ पे भी हो जाती है स्कूल हॉलीडे। खैर बढ़िया है, आप भी फैसिलिटीज एंजॉय करो, कुछ पिक्चर विक्चर शेयर करना जब आप पंडाल हॉपिंग करोगे तो। बैती साहब गुड मॉर्निंग, बैती साहब आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी मेरा आज का टॉपिक रहेगा इंडियन होटल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। परसों हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी और एक बॉटम से परफेक्ट रिवर्सल देखने मिला, कल वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिली और स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर जाके क्लोज देने में सफल रहा है। हमें लगता है यहां से अब मोमेंटम इसमें और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, तो 685 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 705 का पहला टारगेट और 715 के दूसरे टारगेट के लिए। इंडियन होटेल्स बहती साहब ये पूरे 9 दिनों के लिए टाइज हैं आपके पास क्या? अभी बचे हुए दिन की सबकी टाइज हैं? जी सर टाइज कंडीशन अच्छा है। गावा सर आज नेट पे चेक नहीं करा आपने कलर? नहीं मैंने पिंक किया, आज पिंक पहना है, दिस इज पूरा पिंक। ओह सॉरी पूरा या सॉरी 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 कल पर्पल है और पर्पल कल मेरे पास है नहीं, ये तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। कल अपन कलर नहीं कुछ और सेलिब्रेट करेंगे, प्रॉपर बहुत फंसेगा वही हिसाब का लेकिन टाई है तो वैसे भी हम इंडियन पहनेंगे ना तो ट्रेडिशनल। अरे बाबा सर कल फ्राइडे, कल एक बरसों दशहरा है, कल ट्रेडिशनल करते हैं ना सब। ठीक है आप जो बोले आपका हुक्म तराको पर बज गया पर मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे और अपने आप को पर्पल कहां से लेकर आएंगे, तो कल ट्रेडिशनल वेयर पे रखते हैं जरा फोकस। खैर इंडियन होटल्स रडार पे बहती साहब के, अब आज के एक फंडामेंटल पिक की तरफ बढ़ा जाए, सनी अग्रवाल साहब भी जोड़ रहे हैं। सनी जी गुड मॉर्निंग, रडार पे आज कौन सा स्टॉक आप लोग के? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का मेरा पिक रहेगा कोल इंडिया विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 600 एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6-12 मंथ।
ग्रेजुअली लेना है, मे बी 450 तक ग्रेजुअली स्टैगर्ड बाइंग करेंगे तो भी चलेगा। आई थिंक फर्स्ट हाफ में हमने देखा है कि 341 मिलियन टन का प्रोडक्शन ऑलरेडी कोल इंडिया ने दर्ज किया है, एंड आई थिंक फुल ईयर का जो गाइडेंस है 825-830 मिलियन टन का, आई थिंक आराम से वो अचीव हो सकता है। एट द सेम टाइम फिनेंशियल्स की बात करें तो 7-8 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है, फ्री कैश फ्लो यील्ड भी मोर देन 6% है, डिविडेंड यील्ड भी मोर देन 6% है, आरओई आरओसी इज मोर देन 25-30%। तो आई थिंक एक वैल्यू बेट रहेगा इन अ मार्केट वेयर देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली एड करना चाहिए।